ये देखिए इसके हाल क्या हो रहे हैं। दर्द हो रही, जोर से हो रही। हेलो दोस्तों, नमस्ते। पहला उत्तराखंड कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो गाइज, मैं भी स्वस्थ एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नीतू मोहन ब्लॉग में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सुबह का मौसम है और बच्चे चले गए थे स्कूल। मैंने नाश्ता वास्ता बना के बच्चों को भेज दिया है। अभी मेरा काम है, अभी झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह है तो उसको करती हूँ। काफ़ी सुंदर मौसम है आज। यहाँ से देखिए, आज तो बारिश नहीं हुई, कल रात से बारिश नहीं है तो बहुत अच्छा। थी तैयार दीक्षा के सुबह सुबह पैर में लग गई। कहाँ पे लगी? सुबह सुबह मार दी इसने सीढ़ी से ऊपर आते समय। कैसे लगी? हाँ, तो जल्दी जल्दी क्यों करना है? सुबह सुबह आराम से आया करो ना, क्यों जल्दीबाजी हो ही रहती है हमेशा। अब स्कूल पहुंचाना है, ऐसे नहीं जाया जाएगा, बिल्कुल नहीं जाया जाएगा। ठीक है, अभी पहुंचाते हैं, पापा आएंगे फिर। मैं चाय बना रही हूँ, चाय पे आ रही है मेरी उबाल। सुबह सुबह ना चाय पियो तो थोड़ा बहुत थकान दूर हो जाती है, जो सुबह से लग जाते हैं हम एकदम, मतलब एक दो घंटा खड़े खड़े रहना पड़ता है हमको। दो घंटा तो मान के चलो, दो घंटा खड़े खड़े निकलता है यहाँ पे, नाश्ता बनाने तक, बच्चों का टिफिन तैयार करने तक, उसके बाद वो जब तक जाएंगे नहीं तब तक खड़े रहना है बस। सो गाइज, सारा काम हो गया था, अभी मैं कर रही हूँ अपने कमरे की थोड़ा बहुत सफाई। सफाई मतलब आज धूप आई थी, बरसात का मौसम है, इतना मतलब अजीब से ही हो गए थे मेरे डल्लब, तो मैं डल्लब धूप में डाल दिए हैं मैंने। ये है मेरा बेड, तो डल्लब धूप में डाल दिया था, वहाँ पे मेरे हैं थोड़े मोमेंट्स वगैरह। तो बहुत ज़्यादा मतलब बरसात में नहीं हो जाता, वो चिपचिप जैसा हो जाता है, तो इसीलिए सीलन बहुत आती है, तो मैंने ऊपर धूप में डाल रखे हैं। हो गया था, अभी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को शेयर कराती हूँ अपना होम टूर। होम टूर क्या है? चार कमरे हैं मेरे पास, तो चार कमरों को मैं आप लोगों को होम टूर कराती हूँ। होम टूर क्या है? दो कमरे तो ऊपर आप लोगों ने देखे ही हैं। अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पे मेरा बेड है और जहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत ड्राइंग रूम है, छोटा सा बैठक रूम है, तो उसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, शेयर करती हूँ बाकी। और ये ऐसी है, छोटा सा मेरा घर है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, जैसा भी मैं रखती हूँ इस घर को तो मुझे ऐसी अच्छा लगता है। मतलब बहुत बड़ा घर नहीं है मेरा, छोटा सा घर है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉबी से। ये है मेरी लॉबी, ये टॉयलेट बाथरूम है इस साइड को, और यहाँ से मैं एंटर करती हूँ अपने कमरे में। तो ये देखिए, यहाँ से जाती हूँ अंदर को, और एक बड़ा सा कवर्ड ये है मेरा, जो मेरा दहेज का है। उधर घड़े वगैरह रखे हैं मैंने, जो सब लोगों को पता ही होगा घड़े कहाँ, पहले ज़माने से बहुत दहेज में आते थे, तो ऊपर से थोड़ा बहुत मैंने सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे हैं बक्से वगैरह, और ये बड़ा बक्सा है, ये भी दहेज का ही है। ये छोटे बक्से हैं, ये इसके पापा का बक्सा है ये वाला, और ये मेरा है। ऊपर में जो मैंने रखा है सामान, इसको मैं अभी बिछाऊँगी पायदान, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोछा लगा रखा है तो गीला हुआ है अभी। तो एक कमरा ये है, और यहाँ से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये है मेरा जूते चप्पल रखने वाला शूज, मेरा ड्राइंग रूम, छोटा सा बैठक रूम। तो यहाँ से एंटर करती हूँ, ये लगा रखा है छोटा सा टेबल, और यहाँ पे लगा रखा है मैंने बड़ा सा कवर्ड एक, जो मैंने पिछली बार दिवाली में लिया हुआ था। और ये देखिए, ये टेबल है, ये भी मेरे दहेज का ही टेबल है। यहाँ से दिखाती हूँ, ये भी दहेज का ही टेबल है, जो छोटा सा पॉट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये ख़राब हो गया था, भैया ने दोबारा इसको पूरा प्रिपेयर कर रखा है, नीचे से बिल्कुल चमाचम बना दिया इसको, पेंट वेंट लगा के, ऊपर से सनमाइका दोबारा चिपकाई, और ये साइड से बिट लगा रखे हैं, तो जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। पूरा ख़राब हो गया था, भैया ने दोबारा से सेट किया हुआ है इसको, ठीक किया मतलब। तो ये है फ्रंट दरवाज़ा, ये है, क्योंकि ये भी खोलती हूँ कभी कभी, खोलती हूँ हवा जैसी आती है। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम, यहाँ से देखिए, और ये झूमर है, झूमर में दो लाइटें जली हुई हैं बस, इसको भी मैंने निकालना है। यहाँ पे एक मैंने फ़ैन लगाना है, क्योंकि इसके सारे बल्ब ना ख़राब हो चुके हैं, तो मुझे, मैं सोच रही थी इसको हटा दूँ मैं। तो यहाँ से देखिए, ये हैं मंदिर है, ये ऊपर से पापा जी हैं, नीचे से मेरे हस्बैंड हैं, और यहाँ से देखिए ऐसा है। ये भी मेरे सोफ़े हैं, ये भी दहेज के ही सोफ़े हैं मेरे, पूरे दहेज का सामान बहुत है मेरा। तो यहाँ गाइज, अभी चलते हैं अपने बेडरूम में, लेके चलते हूँ आप लोगों को।
ये है मेरा बेडरूम जो अभी मैंने सफाई करा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे है मेरे बच्चों और मेरी तस्वीर है, ये जो मोमेंट है उनका है जो उनके वहाँ से मिला हमको। और यहाँ से देखिए ये है मेरे अम्मा बूबू मायके वाले और ये मेरे हस्बैंड और मैं। जब उनको ये फ़ोटो हमने तब खींची थी जब उनको डॉक्यूमेंट में लगने वाली थी, 1 महीना हुआ था हमारी शादी को तो तब हमने ये फ़ोटो खींची। वहाँ पे भी मेरे और बच्चों की फ़ोटो है और ये है इनकी इसके पापा का सूटकेस आर्मी वाला। तो यहाँ से देखिए ये है मेरे हस्बैंड के मोमेंट वगैरह, कुछ थोड़े बहुत ऊपर हैं थोड़े बहुत यहाँ हैं। तो ये देखिए बाकी और मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा मेरा कमरा है छोटू सा। तो देखिए यहाँ से मैंने टाइल्स लगा रखे हैं, टाइल्स के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ से फिलहाल दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए छोटा सा बेड है मेरा, मतलब छोटा नहीं है बहुत बड़ा बेड है ये। तो मैंने अभी इसके जो ये प्लाई हैं इसके पापा है इसको पेंट करके गए थे, ये देखिए 3 साल हो गए हैं ये पेंट को अभी। ये है पूरा मेरा श्रृंगारदान ऐसे करके, ये भी दहेज का ही है क्योंकि ये मेरी नाइट सूट है जिसको मैं यहीं पे रखती हूँ, रात को पहनने वाली है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आप लोग खोल के दिखाती हूँ मैं। तो ये है यहाँ पे मैंने शैम्पू वगैरह रखे हैं, सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है। और ये है मेरी शादी की DVD है, उस टाइम पे वो नहीं होता था क्योंकि अभी स्मार्ट होम वो आ गया, पेन ड्राइव वगैरह नहीं होता था तो उस टाइम पे होता था DVD। तो ये DVD है, मैं सोचती थी इसको कि मैं इसको उस पर कन्वर्ट करूँ, पेन ड्राइव बनाऊँ इसका, तो देखती हूँ फिर बनाऊँगी इसको फिर। तो ये देखिए ये जो मैंने छोटा सा मैं सामान जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो ये है। यहाँ से आप लोगों को छोटे छोटे लिपस्टिक वगैरह दिखेंगे जो ये लिक्विड वाली है और ये बाकी और वैसे वाले हैं, और जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है। और मतलब छोटा बहुत सब कुछ, छोटा छोटा सब कुछ मिलेगा, गुलाब जल रखा हुआ है मैंने, बाकी मैं और कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, इतना ही यूज़ करती हूँ जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी कर देते हैं इसको बंद, ये देखने उस टाइम हम यहाँ से निकलते हैं। ये है जो जहाँ पे पिया सोती है, सिंगल बेड लगा रखा है यहाँ पे, मतलब चारपाई है। और ये देखिए यहाँ से भी ऐसा है, और ये मैंने एक्स्ट्रा बिस्तरा लिया है, कभी हमारा नीचे सोने का मन हो जाता तो हम यहाँ बिछा के यहाँ पे सो जाते हैं। तो क्या है ऐसी है बाकी है। और मेरा 4 कमरों का जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे 4 कमरे हैं, तो 4 कमरे मेरे ऐसे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इस दीवार पे भी मैंने टाइल्स लगा रखे हैं, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को मैंने ये टाइल्स क्यों लगाए। तो ये देखिए ऐसी हालत थी मेरे कमरों की, इस यहाँ पर भी आने लग गया है, देखिए इतना मैंने टाइल लगा रखे हैं और ऊपर से भी इतना सीलन आ गया है। परसों इतनी बारिश हुई कि बारिश से देखो हस्बैंड ने इसको खोला, फिर धूप में हमने सुखाया इसको उस टाइम पे जब हम टाइल लगा रहे थे यहाँ। और ये देखिए पूरा इस साइड से ख़राब हो गया था, लेकिन अभी तो ठीक है। फिलहाल मैंने इतनी जगह छोड़ रखी है यहाँ पे, मतलब सटाया नहीं है उसको, हल्का सा मैंने थोड़ा उसको इधर को कराई है। तो इसके पापा ही इस बेड को सेट करके गए थे 3 साल पहले, 3 साल हो गए हैं, 3रा साल लग गया है इसको भी टाइल्स लगाए हुए, ये देखिए। बट हमें कोई शौक़ भी नहीं था टाइल वाइल का या फिर कुछ, मतलब ऐसा नहीं था कि हम टाइल वाले घर में ही रहें या फिर ऐसा वैसा है, लेकिन हाँ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इंसान सब कुछ करता है। तो मुझे भी ज़रूरत थी टाइल्स की, तो जो मेरा पूरा बेड ख़राब हो गया था, मेरा पूरा सामान ख़राब हो गया था, उसको बचाने के लिए मैंने सोचा कि मैं टाइल लगवा लेती हूँ। तो ठीक है हमने टाइल वाइल लगाए, तो टाइल लगाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब तो लोगों की बातें सुन के ना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खाली टाइल लगाए अच्छा भी नहीं लगता है। तो जब ये टाइल लगाए उसके बाद दोबारा मेरे हस्बैंड घर भी नहीं आए, तो जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। इसकी आगे की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊँगी, अगर आप सुनना चाहते हैं मेरी कहानी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को ये लेके आती हूँ कि हम घर में गाय भैंसों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाई के वो लेके, और अपना मतलब खुद को मतलब बिजी कैसे रखती हूँ मैं, ये आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। इसे होता है मैं गाय भैंसों का भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, और खेती बाड़ी भी है हमारे पास, वो दिखाती हूँ पहाड़ को, पहाड़ के कल्चर को, पहाड़ की महिलाओं को दिखा सकूँ, आप लोग हम कैसे स्ट्रगल करते हैं पहाड़ में वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मैं ये सबसे पहले मैं यही सोच के चल रही थी कि मैं घर के कामकाज दिखाऊंगी, गाय भैंस दिखाऊंगी और अपने खेती बाड़ी दिखाऊंगी। हाँ अगर आप मुझे अभी सपोर्ट करते हो तो अगर हाँ हो सकता है मैं भविष्य में आप लोगों को
हर जगह घुमाऊं, हर जगह दिखाऊं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। तो मैं ऑब्वियसली अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे बतानी है, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बहुत मतलब हर जगह मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। थोड़े बहुत मुझे टाइम दीजिए आप लोग, और आप अपना टाइम, कीमती टाइम मुझे दीजिए, मैं आपको अपना टाइम देती हूँ थोड़ा बहुत, तो इसमें ही हमारी दिनचर्या चलती है। तो जो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो पहाड़ के कल्चर होते हैं ना, वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ, एक सिंगल वुमेन होने के बावजूद भी मैं सब कुछ कैसे हैंडल करती हूँ। वो सबसे मेन मकसद मेरा यही है कि एक सिंगल औरत घर के कामकाज, गाय भैंस को देखती है और खेती बाड़ी भी देखती है और सब कुछ मैनेज कैसे करती है, ये मेरा मकसद आप लोगों को दिखाने का है। तो थैंक यू। आप अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये प्लेटफॉर्म पर आई सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, और जो मुझे बखूबी मिल रहा है आप लोग दे रहे हैं मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो अगर आप आगे भी आपको मेरी जर्नी देखनी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इधर उधर भी घुमाओ, इधर उधर नई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाओ और